हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम एक्सो प्लेयर की हेल्प से एक वीडियो को प्ले करके देखने वाले हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो सिंपली सबसे पहले मैं एक प्लेयर एक्टिविटी बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग वीडियो एक्चुअली प्ले करना चाहते हैं। सो न्यू एक्टिविटी एंड सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी एंड जस्ट गिव एनी नेम। सो मैं इसे प्लेयर एक्टिविटी नेम दे रहा हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। एंड इस प्लेयर एक्टिविटी के साथ हमें वर्क करना है। एंड सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। सो लेट इन इट वेयर बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी प्लेयर बाइंडिंग। एंड यहाँ पे हम लोग इसे इनिशियलाइज करेंगे। सो बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी प्लेयर बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। एंड यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर पास कर दो। एंड यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू की जगह पे बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, एंड अब हमारे एक्टिविटी प्लेयर में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक्चुअली एक्सो प्लेयर का यूआई यूज़ करना है। सो सिंपली इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैं एक प्लेयर व्यू का यूज़ करने वाला हूँ। सो अगर आपने एक्सो प्लेयर इंपोर्ट किया है तो आपको प्लेयर व्यू दिखाई देगा। एंड मैच पेरेंट एंड यहाँ पे एक दो एट्रीब्यूट्स। सो यूज़ कंट्रोल्स ट्रू, मतलब मैं चाहता हूँ एक्सो प्लेयर खुद के कंट्रोल्स यूज़ करे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कीप स्क्रीन ऑन एंड ट्रू, मैं चाहता हूँ स्क्रीन ऑन रहे जब तक प्लेयर प्ले हो रहा है। इसके बाद मैं इसे एक आईडी दे देता हूँ एंड लेट्स से प्लेयर व्यू। ओके, एंड हमारे एक्सो प्लेयर का प्लेयर व्यू इनिशियलाइज हो चुका है। अब हमारी प्लेयर एक्टिविटी में आ जाते हैं, हम इसे एक्सेस करने वाले। बट यहाँ पे एक इशू है कि हमारा प्लेयर कब स्टार्ट होना चाहिए। ओके, मीन्स इस एक्टिविटी में हम लोग मूव कब करेंगे। सो मैं ये वर्क जो है हमारे वीडियोस अडैप्टर में करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो, डायरेक्टली प्लेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। सो मैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर वो वर्क करूँगा। सो होल्डर डॉट रूट, सो यहाँ पे मुझे एक्चुअली रूट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। सो ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। सो वैल रूट इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट रूट एंड जस्ट गो डाउन एंड रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। मीन्स अगर इस पर क्लिक होता है तो हमें मूव करना है प्लेयर एक्टिविटी में। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंटेंट की हेल्प लेने वाला हूँ। सो वैल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो भी हमारे पास है कॉमा प्लेयर एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा। एंड उसके बाद हमें इस इंटेंट को स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी यूज़ नहीं कर सकते सिंस ये एक अडैप्टर है। सो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी एंड यहाँ पे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो इंटेंट। सो इंटेंट एंड उसके बाद सिंपली पास नल। सो जब हम किसी भी व्यू पे क्लिक करेंगे हमारे वीडियो के तो हमारी प्लेयर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एंड प्लेयर एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तब मैं यहाँ पे कुछ वर्क चाहता हूँ कि एक्सो प्लेयर का काम हो जाए। सो मैं यहाँ पे सिंपली एक प्लेयर बना रहा हूँ। वैल प्लेयर इज इक्वल टू, सो एक्सो प्लेयर की हेल्प से कोई भी वीडियो प्ले करने के लिए हमें एक सिंपल एक्सो प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो सिंपल एक्सो प्लेयर डॉट बिल्डर एंड इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो सिंपली पास दिस एंड उसके बाद डॉट बिल्ड कॉल करो। ओके, सो हमारा प्लेयर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस प्लेयर के ऑब्जेक्ट को हमें इस प्लेयर व्यू के अंदर सेट करना है हमारे एक्टिविटी प्लेयर वाले। सो मैं यहाँ पे बाइंडिंग का यूज़ करो। बाइंडिंग डॉट प्लेयर व्यू डॉट प्लेयर इज इक्वल टू ये जो प्लेयर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है। एंड इसके बाद हमें सिंपली वो वीडियो फाइल बतानी है जिसे हम एक्चुअली प्ले करना चाहते हैं। सो इन एक्सो प्लेयर उन्हें मीडिया आइटम्स कहा जाता है। सो मैं मीडिया आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। सो मीडिया आइटम इज इक्वल टू मीडिया आइटम एंड यहाँ पे मुझे एक्सो प्लेयर का मीडिया आइटम दिख रहा है। उसके बाद डॉट फ्रॉम URI, मीन्स मैं एक URI से इसे प्ले करना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए मैं सिंपली मेन एक्टिविटी की जो हमारी वीडियोस लिस्ट है एंड लेट्स से जो जीरोथ पोजीशन है मैं उसे प्ले करना चाहता हूँ। सो डॉट आर्ट URI मीडिया आइटम बन चुकी है। अब मीडिया आइटम को हमें प्लेयर में सेट करना है। सो प्लेयर डॉट मीडिया आइटम, सो सेट मीडिया आइटम एंड सिंपली पास दिस मीडिया आइटम एंड उसके बाद हमें प्रिपेयर कॉल करना है। सो प्लेयर डॉट प्रिपेयर एंड फाइनली प्लेयर डॉट प्ले, सो प्ले एंड दैट्स इट। ये हमारा काम कर देगा प्लेयर को प्ले करने का, हमें कुछ नहीं करना। अगर हम किसी भी व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल एक्सो प्लेयर हमारे लिए उसे प्ले कर देगा। सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड चेक।
सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड लेट्स से मैं किसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से 19 एंड आप देखोगे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, आपको साउंड नहीं सुनाई देगा बट वीडियो प्ले हो रहा है, उसका साउंड भी आ रहा है एंड लेट्स से मैं आगे करता हूँ तो भी हो रहा है एंड लेट्स से मैं किसी और पे क्लिक करके देखता हूँ एंड अगर फिर प्ले करो तो होता है, लेट्स से मैं बैक करता हूँ इस वीडियो को एंड उसके बाद कोई दूसरा वीडियो प्ले करता हूँ लेट्स से 17 ना आप देखोगे वो सेम वीडियो फिर से प्ले हो रहा है एंड लेट्स से मैं दूसरा प्ले करता हूँ सो दिस वन एंड अगेन वो वीडियो प्ले हो रहा है एंड जब मैं बैक करता हूँ आप अगर अपने प्लेयर में ऑब्जर्व करोगे तो वो वीडियो अभी भी बैकग्राउंड में भी प्ले हो रहा है जो एक्चुअल में हम नहीं चाहते सो उसके लिए हमें ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करना पड़ेगा हमारी प्लेयर एक्टिविटी का एंड उसके अंदर प्लेयर डॉट रीसेट कॉल करना पड़ेगा ओके एंड अनदर थिंग एक ही वीडियो बार बार इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ जीरो पोजीशन ही पास की इसलिए वो सेम वीडियो बार बार प्ले हो रहा है सो इन द फ्यूचर वीडियो हम इसे और मॉडिफाई करेंगे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय